श्री अकाल तख्त साहब च जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बेदबी मामले नूं लै सद्दी विशेष बैठक। बैठक च पहुंची एचपीसी प्रधान बीबी जकीर कौर। लुधियाना विच 22वें विजय कारगिल दिवस मनाया गया, जिथे वड्डी गिणती विच पहुंचे सबका सैनिकां ने शहीदां नूं दित्ती श्रद्धांजलि। इस मौके ते पहुंचे लैफ्टिनेंट कर्नल जरनैल सिंह ने कहा कि अजिहे उपराले हुंदे रहण तां नौजवानां नूं मिलेगा उत्साह। दसवीं तो लैके बारहवीं तक दियां लगियां अज क्लासां। विद्यार्थियों मापियां की रजामंदी लाजमी, करोना नियमों की होगी पालना, ऑनलाइन क्लासा भी रहनगियां जारी। पंजाब रोडवेज से पन बस के कच्चे मुलाजमान ने बस अड्डे किया प्रदर्शन। यह हड़ताल सूबा पदरी कमेटी के सदे उत्ते की गई। पंजाब सरकार वालों लागू किए 6वें पे कमीशन खिलाफ डॉक्टरों में रोस पाया जा रहा है। डॉक्टरों वालों हड़ताल उत्ते रहिंदिआं तरन तारण के सिविल हस्पताल में गेट रैली करके सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। लुधियाना में इको परिवार के दो नवी विआह नूहां विचाले आपसी लड़ाई की वीडियो तेजी नाल वायरल हो रही है, जिस कारण एक धिर वालों थाने विच FIR दर्ज करने की भी की गई अपील। खेती कानूनों के विरोध च कांग्रेस का प्रदर्शन। ट्रैक्टर से सवार होकर संसद पहुंचे राहुल गांधी, कहा किसानों की आवाज दबाई जा रही है, खेती कानून लो वापस। कारगिल फतेह नूं पूरे हुए 22 साल। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सने कई आगुओं ने कारगिल शहीदों की शहादत नूं कीता याद। कारगिल जंग की 22वीं वरेगंढ मौके मुख्यमंत्री ने इत्थे बुगनालविया गार्डन में स्थित जंगी यादगार विखे फुल माला भेंट की। कारगिल जंग दौरान अपनी जाना निछावर करने वाले पंजाब के 54 बहादुर जवानों नूं नमन किया। देश च करोना की दूजी लहर से लगी रोक। 24 घंटे च सामने आए 38,146 नवे मामले। कुल मरीजों की गिनती 3,14,00,000 के पार। देश एक दिन च 411 मरीजों की मौत। हुण तक करोना नाल 4,20,996 मरीजों की मौत हो चुकी है। सावन का पहला सोमवार अज भगवान शिव की पूजा की गई। भगतों ने मंदिरों में जल अभिषेक किया। भारी हंगामे कारण लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विरोधी धिर को कहा, सरकार तुहानू जवाब देना चाहती है पर तुसी निरंतर नारेबाजी कर रहे हो। किन्नौर च जमीन खिसकन कारण 9 लोगों की मौत, 3 जख्मी। मुख्यमंत्री जयराम समेत मंत्रियों ने दुख जाहिर किया। PM मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2,00,000 रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। हिमाचल च मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 26 तो 29 जुलाई तक भारी मीह पैण की संभावना। प्रदेश च 10 जिलों च भारी मीह की चेतावनी। टोक्यो ओलंपिक च 4थे दिन भारत की शानदार शुरुआत। तलवारबाजी च भारत की भवानी देवी ने की जित दर्ज। तीरअंदाजी च भारतीय पुरुष टीम ने कजाकिस्तान नूं हराया। कांग्रेस के कई आगुओं नूं किसानों के समर्थन च प्रदर्शन करते पुलिस ने लिया हिरासत च, जिस च रणदीप सुरजेवाला अते श्रीनिवास भी शामिल। गिरफ्तारी तो बाद रणदीप सुरजेवाला तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है। मंडी विच दरंग दौरे दौरान ग्राम पंचायत टांडू के पाखरी पिंड विच एक लाचार महिला ने सड़क विचाले खड़े होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफिले नूं रोकिया ते बेनती की कि उस नाल चल के उसके बीमार मुंडे की गल कहे, घर जाके सारी स्थिति देखण नूं कहा।
सीएम जयराम ठाकुर ने लाचार महिला के बीमार मुंडे का स्थिति देखी तो उन्होंने महिला नूं 1 लाख रुपए की मदद दी। नाल ही सीएम ने बीमार मुंडे नूं सहारा योजना में शामिल करने के आदेश दिए। डीसी मंडी नूं दिए किन्नौर च जंतर मंत्र के किसान संसद को सिर्फ महिलाओं ने चलाया। महिला किसान संसद भारतीय खेती इस अंदोलन में महिलाओं वालों निभाई जाने वाली भूमिका भी दर्शाया।